लोग अपने जगह पर बैठ सकते हैं, आपको जैसे लगता है आप खड़े हो सकते हैं, घुटने पर आ सकते हैं, जैसे जैसे हम प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करने वाले हैं कुछ विषयों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखने के लिए, और भी अन्य अन्य बातों के लिए हम प्रार्थना करने पर हैं। और मैं चाहूँगा कि हर कोई, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई प्रार्थना करे। और जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी आँखों को बंद रखिएगा। हम आँखें इसलिए बंद करते हैं ताकि हमें कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करे, कोई भी बात डिस्टर्ब नहीं करे, कोई भी माहौल डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए हम अपनी आँखों को बंद रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ समय के लिए अपनी आँखों को बंद रखें और हम प्रार्थना करेंगे। लव यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस लॉर्ड, वी एग्जॉल्ट योर नेम जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर कोई अपने आँखों को बंद रखेगा, कोई भी व्यक्ति अपने आँखों को नहीं खोलेगा। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे वो बातों के लिए जो बातें आपके आँखों के सामने आती है। याद रखिए, जब आप अपनी आँखों को बंद करोगे तभी बातें सामने आएगी, जब आप अपनी आँखों को खोलोगे तो आपका अड़ोस पड़ोस में जो बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, आपके सामने जो खड़ा है वो क्या कर रहा है, आपके पीछे जो बैठा है वो क्या कर रहा है, बाहर कौन सा आवाज़ आ रहा है, बाहर से कौन आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने होगी और आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जब आप अपनी आँखों को बंद रखोगे तो आपकी आँखों के सामने चीज़ें आने लगेंगी। तो जो चीज़ें आपके आँखों के सामने आती है, चाहे सेवकाई के बारे में, चाहे कोई परिवार का सदस्य, चाहे आपका दोस्त, या जो भी बातें आपके आंखों के सामने आती है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। लव यू लॉर्ड, हालेलुया, अपनी आंखों को बंद रखिए और प्रार्थना करें जो चीज़ें आपके आंखों के सामने आ रही है। और आपको बंद जुबान प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन अपने मुख को खोलना है और उस चीज़ के लिए प्रार्थना करना है, उस चीज़ के लिए प्रार्थना करना है। हो सकता है कि कुछ आपकी आदतें आपके आंखों के सामने आए, हो सकता है कि कुछ ऐसी पुरानी याददाश्त आपके सामने आए, ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ बातें आपके सामने आए जो आपको पसंद नहीं है। उसे तोड़े यीशु के नाम से, उसे तोड़े यीशु के नाम से। अगर कोई स्थिति आपके सामने आती है, उसे तोड़े यीशु के नाम से। अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार का आपके सामने आता है, प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए। आपका दोस्त आपके सामने आता है, प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए। आए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु अनुग्रह करेगा। बंद जुबान प्रार्थना ना करें, अपने मुख को खोले और प्रार्थना करें। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस। आइए प्रार्थना करें, होने दो ये प्रार्थना का माहौल, होने दो कि परमेश्वर आपसे दोबारा बातें करने लगे, होने दो कि आप फिर एक बार परमेश्वर के वचनों के लिए, उपस्थिति के लिए भूखे प्यासे हो जाओ, होने दो कि फिर एक बार आप उस प्रार्थना में लौलीन हो जाओ, होने दो कि परमेश्वर फिर एक बार आपके हृदय से बातें करने लगे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने आवाज को उठाएं और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें। अगर आप अपने भविष्य को देख पा रहे हैं, डिक्लेयर करें उस भविष्य को, घोषणा करें, डिक्लेयर करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी एग्जॉल्ट योर नेम लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते राजा, हम डिक्लेयर करते परमेश्वर, प्रभु आप इस भाई को आजाद कर रहे हैं परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप इस बहन को आजाद कर रहे हैं परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु ये बंधने मुझे रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये बंधने मेरे जिंदगी में मुझे रोक नहीं सकती है, क्योंकि मैं इन बंधनों के लिए चुना नहीं गया हूँ। यीशु के नाम से इन बंधनों को मैं तोड़ता हूँ, यीशु के नाम से इस भविष्य को मैं और उज्जवल कहता हूँ, यीशु के नाम से और बेहतरीन तौर पर देखने के लिए मदद करें। प्रभु अनुग्रह मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु हमारी आंखें आपका दृष्टिकोण बन जाए परमेश्वर, प्रभु हम वही बातें देखने पाए जो आप देखते हो परमेश्वर। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस, लव यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर आप बीमारियों से गुजर रहे हैं, ये समय है उस बीमारियों को यीशु के नाम से खंडित करने के लिए। अगर आप बीमारियों से गुजर रहे हैं कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस बीमारी को धमकाए यीशु के नाम से। परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप उस बीमारी में रहे, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप बीमारी से गुजरे, प्रभु नहीं चाहता है कि आप बीमारी के हालत में रहे, परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। इस बीमारी को आपको धमकाना है, आइए धमकाए। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो जुखाम हो, या कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे वो बड़ी बीमारी हो, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप इस बीमारी में रहे, बीमारी को धमकाए और कहे यीशु के नाम से चले जाने के लिए, बीमारी को धमकाए और कहे यीशु के नाम से चले जाने के लिए, बीमारी को धमकाए और कहे यीशु के नाम से चले जाने के लिए, और बीमारी चली जाएगी, बीमारी चले जाएगी। आपको देखना है कि बीमारी आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपके घर को छोड़कर चली गई है इसी समय। आपको देखना है कि बीमारी उल्टे पांव वापस चली जा रही है, वो आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है, वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। आइए धमकाए उसे, आइए धमकाए उसे। अगर आप एलर्जी से गुजर रहे हो, आइए धमकाए उसे, आइए धमकाए उसे, और वो चली जाएगी, वो चली जाएगी। यीशु ने कहा शैतान से कि तू मेरे सामने से दूर हो जा, और शैतान उसी समय चला गया। वचन कहता है कि अगर आप शैतान को धमकाओगे तो वो चले जाएगा, अगर आप बीमारी को धमकाओगे तो वो चले जाएगी, अगर आप एलर्जीज को धमकाओगे तो वो चले जाएगा, वो रुक नहीं सकता है। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस। कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी, बीमारी में तुझे कहता हूं यीशु के नाम से मेरे जिंदगी से चली जा। किसी भी प्रकार की बीमारी मेरे शरीर में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है, और इसलिए कोई भी बीमारी मेरे अंदर नहीं रह सकती। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए आप भी धमकाएं, आप भी बातें करें, और वो आपका भी सुनेगा। Love you, Daddy. Worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. कोई भी बुरी आदत मेरे अंदर नहीं रह सकती। वो आदतें जो परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं देती है, वो आदतें मेरे अंदर नहीं रह सकती है। झूठ बोलने की आदत मेरे अंदर नहीं रह सकती है। गलत देखने की आदत मेरे अंदर नहीं रह सकती है। गलत बोलने की आदत मेरे अंदर नहीं रह सकती है। मारपीट की आदत मेरे अंदर नहीं रह सकती है। कोई भी दुष्ट क्रिया मेरे अंदर नहीं रह सकती है, क्योंकि मैं परमेश्वर के काम के लिए तैयार किया हुआ व्यक्ति हूं। आइए आप डिक्लेयर करें अपने जिंदगी में, अगर आपको झूठ बोलने की आदत है तो आइए धमकाएं, आइए धमकाएं उस आदतों को, और वो आदत चली जाएगी, वो आदत चली जाएगी। आइए धमकाएं। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस। ओ प्रभु, आपने सत्य का आत्मा मेरे अंदर दिया है। कोई भी झूठ की आत्मा मुझ पर नियंत्रण नहीं ले सकती। कोई भी गलत आदतें मुझ पर नियंत्रण नहीं ले सकती, क्योंकि प्रभु आपने मुझे ज्योति ठहराया है, और प्रभु आप मेरे द्वारे अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश लाने वाले हो राजा। प्रभु यीशु के नाम से कोई भी अंधकार मेरे अंदर पनाह नहीं ले सकता है, कोई भी अंधकार मेरे जीवन में अपने जगह को स्थापित नहीं कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से इन सारे अंधकार को हम चले जाने की आज्ञा देते हैं इसी समय, इसी समय। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे अंधकार को हम चले जाने की आज्ञा देते हैं। लव यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने भविष्य को डिक्लेयर करें। आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद आप कहां रहोगे? परमेश्वर ऐसी बातों को आपके सामने लेकर आ रहा है। आइए उन्हें देखने का प्रयास करें,
कि आज से कुछ समय के बाद आप कहां पर रहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के कार्य के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर के कार्यों को देखें, परमेश्वर के कार्यों को देखें कि प्रभु आप मुझे ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर आप मुझे ऐसी जगह पर नियुक्त कर रहे हैं, प्रभु आप इतने सारे लोगों के सामने मुझे खड़ा कर रहे हैं। परमेश्वर उन चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए उन चीज़ों को डिक्लेयर करना चालू करें, अपने भविष्य को देखकर डिक्लेयर करना चालू करें, डिक्लेयर करना चालू करें, डिक्लेयर करना चालू करें। थैंक यू जीसस। जब आप कोई भी चीज़ को प्रार्थना में लेकर आते हो तो वो चीज़ मानो एक बीज के समान हो जाती है, और जब आप प्रार्थना के द्वारा डिक्लेयर करना चालू करते हो मानो आप उस बीज को छींचते हो या उस बीज पर पानी देते हो, उस बीज को बोते हो, और कुछ समय के बाद परमेश्वर उस बीज को फलवंत करने पर है। आइए डिक्लेयर करना चालू करें, आइए डिक्लेयर करना चालू करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद लॉर्ड प्रभु, हम धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखों के सामने अपने कलीसिया की किसी एक व्यक्ति को लेकर आइए और उसके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मदद करें ऐसे व्यक्ति के लिए, प्रार्थना करने के लिए जो समस्याओं से, परेशानियों से, दुविधाओं से गुजर रहा है, जो आपकी बातों से दूर जा रहा है प्रभु, जो आपके कामों से दूर जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने लेकर आए, और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लेकर आएगा। आइए उसके लिए प्रार्थना करें, शांत ना रहे परंतु प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बाइबल कहता है, यीशु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम नित्य प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। आइए प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति परमेश्वर आपके आंखों के सामने लेकर आ रहे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु अनुग्रह करें, परमेश्वर कृपा करें, प्रभु दया करें परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें ऐसे व्यक्ति के लिए, प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति पर हो, प्रार्थना करें कि प्रभु फिर एक बार उस व्यक्ति के हृदय से बातें करें, फिर एक बार उस व्यक्ति का हृदय परमेश्वर के बातों के लिए धड़के, फिर एक बार परमेश्वर उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें, प्रार्थना करें। लव यू लॉर्ड, हालेलुया, लव यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम में से कोई तो एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा जोरों से उन लोगों के लिए जो लोग इस समय सेवकाई में सताए जा रहे हैं। आज हम सुनते खबर बहुत सारी जगहों पर, छत्तीसगढ़ में और भी अलग अलग जगहों पर, एमपी में, यूपी में बहुत सारे सेवक लोग को सताया जा रहा है, विश्वासियों लोग को सताया जा रहा है, मारपीट हो रहा है, कलीसिया तोड़ा जा रहा है। आइए हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे इस समय कि परमेश्वर उन्हें और हिम्मत दे, परमेश्वर उन्हें और धीरज दे, परमेश्वर और विश्वास से उन्हें भरे, ताकि वे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को और कामों को अपने जीवन में देख पाए। आइए कोई तो एक व्यक्ति जोरों से प्रार्थना करें। Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद लॉर्ड। आइए हम और एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो पुराने मसीह लोग हैं,
हम प्रार्थना करेंगे उन पुराने मसीह लोगों के लिए कि उन पुराने मसीहों से परमेश्वर फिर एक बार बात करने लगे, वे जान पाए उनकी जिम्मेदारी क्या है, वे जान पाए कि परमेश्वर ने क्यों उन्हें चुना है और वे अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करें। वे केवल एक सामान्य मसीह जीवन ना बिताएं संसार में संसारिक होकर, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी को जानें और वे परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। जब लोग उन्हें देखे तो लोग कहने पाए कि सच में इस व्यक्ति में हम यीशु को देखते हैं। आइए कोई तो व्यक्ति प्रार्थना करे कि हर एक पुराना मसीह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी जिम्मेदारी को निभाए। आइए कोई तो जोरों से प्रार्थना करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम उन पासवानों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर राजा, जिन्होंने आपसे दूर हो गए परमेश्वर राजा, कुछ बातों के लिए, कुछ समस्या के लिए प्रभु, उन्हें फिर एक बार आपके पास आने के लिए प्रभु आप उन्हें सहायता करो परमेश्वर राजा, आपकी पवित्र आत्मा प्रभु उनसे बातचीत करे परमेश्वर राजा, ताकि प्रभु वो फिर आपके राज्य में आके पूरी ईमानदारी से आपके काम कर सके परमेश्वर राजा, उनकी पूरा परिवार प्रभु आपकी महिमा करे परमेश्वर राजा। Thank you, Jesus. हर एक अंधकार की शक्ति उनकी जीवन से हम यीशु के नाम पे डालते रह जाए और आपकी भलाई, आपकी हर अच्छी बातों को प्रभु उनको हृदय में। Amen, Lord. Hallelujah. प्रभु आप अच्छे हो और भले हो। Thank you, Jesus. और हर एक प्रार्थना को आप जानते हो और एक Thank you, Jesus, Lord. जो आपकी सेवा किए थे परमेश्वर राजा, प्रभु हर एक बंधन हम यीशु के नाम पे छोड़ते और फिर आपके राज्य में आने के लिए घोषणा करते परमेश्वर राजा, प्रभु आपने उनके ऊपर दया कृपा के हम बात करते परमेश्वर राजा, हर एक अच्छी प्रभु पूरा ईमानदारी के साथ प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करें परमेश्वर राजा, प्रभु आपने ऐसे किया हम धन्यवाद करते, हमारी कलीसिया की प्रार्थना आपने सुने प्रभु हम धन्यवाद करते, सारी चीजों को फिर एक बार प्रभु आपके चरणों में लगते, प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम पे मांगते राजा, आमीन आमीन। आमेन आमेन हालेलुया। क्यों ना एक जोरदार ताली बजाएं प्रभु यीशु के लिए।